हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज बेसिकली चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों, अगर ये पार्टिकल है हमारे पास, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, तो क्या होता है, लाइट यहां से आती है और इस पार्टिकल से ये लाइट हमारी टकराती है, बाउंसिंग बैक हो जाती है ऑल डायरेक्शंस में। इधर ऐसे सारी डायरेक्शंस में क्या हो जाती है, बाउंसिंग बैक हो जाती है बच्चों, बाउंसिंग बैक इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन बाय स्ट्राइकिंग द एटमोस्फेरिक पार्टिकल, वेरी स्मॉल एटमोस्फेरिक पार्टिकल। और इसकी डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इट इज बेसिकली चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स। एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स की वजह से ये क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। देखो, जाना था इसको ऐसे, इसने डायरेक्शन चेंज किया और ये लाइट हमारी ऐसे चारों तरफ फैल गई। ठीक है, बाउंसिंग बैक हो गया सभी डायरेक्शन में। ओके, ये हमारे पास क्या है, व्हाइट लाइट जो इंसिडेंट लाइट है। ठीक है बच्चों, व्हाइट लाइट इंसिडेंट लाइट का बाउंसिंग बैक होना ऑल डायरेक्शन में वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में जो हमें बताया था, वो बताया था लॉर्ड रेले ने। ठीक है, लॉर्ड रेले ने सबसे इसके बारे में बताया था और इसने ये भी बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट इज आई एस, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा फोर होता है। ओके, अगर एक लाइट यहां से टकराने के बाद, एक लाइट हमारी यहां से टकराने के बाद, ठीक है, जब ये हमारे पास बाउंसिंग बैक होगी, तो जिसकी देखो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट किस पर डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, स्कैटर डिस्टेंसिटी ज्यादा होगी। तो देखो, विबग्योर मैंने आपको पढ़ाया था, विबग्योर, और आपको पता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है बच्चों, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है सबसे। ठीक है, तो ये कम स्कैटर्ड होगा और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो ये ज्यादा स्कैटर्ड होगा। ठीक है, रेड हमारा कम स्कैटर्ड होगा, कम फैलेगा, और जो वॉयलेट है वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा, वो ज्यादा फैलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला हमें रेले ने बताया था, और रेले ने हमें बताया था कि ये जो स्कैटरिंग होगी तभी पॉसिबल है। ठीक है, इंडिविजुअल यानी वेवलेंथ के ऊपर जो डिपेंड कर रही है हमारे पास स्कैटरिंग, ये तभी पॉसिबल है जब इस पार्टिकल का साइज, मान लेते हैं एक्स, smaller than वो lambda से, जिस वेवलेंथ की लाइट इस पार्टिकल से टकराएगी और वो इस साइज से छोटी होगी, वही हमारे पास फैलेगी, और जो इससे बड़ी वेवलेंथ की लाइट होगी वो हमारी सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन होगी then Rayleigh scattering ऑबे कह सकते हैं, फॉलो कह सकते हैं, तभी ऑबे होगा। अगर एक्स ग्रेटर देन लैम्डा हो जाएगा, अगर साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन लैम्डा हो जाएगा, तो सारे के सारे कलर्स हमारे इक्वल वेवलेंथ से स्कैटर्ड होंगे, इक्वल इंटेंसिटी से स्कैटर्ड होंगे, इक्वली स्कैटर्ड होंगे। ओके बच्चों, अगर ये कंडीशन होगी तो हमारा रेले स्कैटरिंग फॉलो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, तो हमारे पास जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स, उनसे लाइट हमारी टकराकर क्या होती है, फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है सभी डायरेक्शन में, बाउंसिंग बैक हो जाती है सभी डायरेक्शन में। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं इसको। कौन सा इफेक्ट कहते हैं बच्चों, टिंडल इफेक्ट क्या है, एक लाइट का एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से
टकराकर बाउंसिंग बैक होना सभी डायरेक्शन में, वो हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। स्कैटरिंग का ही दूसरा नाम हम कह सकते हैं टिंडल इफेक्ट है, कि एक लाइट आती है एटमोस्फेरिक पार्टिकल से टकराकर, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाती है, तो इसी फिनोमेना को बोला जाता है बच्चों टिंडल इफेक्ट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो लीस स्कैटर्ड होगी और जिसकी वेवलेंथ कम वो ज्यादा स्कैटर्ड होगी। ठीक है बच्चों, अब हम इसके डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस को मैं क्वेश्चन की फॉर्म में यहां पर आपको करा रहा हूं, जिस टाइप से पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लूइश, या ब्लू भी सिंपल कह सकते हो आप। ठीक है, जो स्काई होता है वो जनरली जनरली हमें ब्लू कलर का अपीयर होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा ब्लू कलर का क्यों अपीयर होता है? जबकि हमें तो हमने तो ये देखा कि एटमॉस्फेयर में जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारे पार्टिकल्स कम होते चले जाते हैं और वहां पर तो हमारी कोई भी लाइट होती नहीं है। ठीक है, तो हमें ब्लूइश कलर का क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में यहां पर डिस्कस करते हैं हम। देखो बच्चों, ये है हमारी अर्थ और इस अर्थ के अराउंड हमारा एटमॉस्फेयर होता है, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लाइक डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, गैसेस के पार्टिकल्स, पॉल्यूशन के पार्टिकल्स, इस टाइप से। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये पार्टिकल्स कम होते चले जाते हैं और सन बच्चों हमारा कहीं यहां पर है। ठीक है, सन हमारा कहीं यहां पर है। अब यहां पर देखो पार्टिकल्स बहुत कम है, यहां पर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब हम अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर के नियर, अर्थ के सरफेस के नियर आते हैं तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं और ऊपर पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। अब ये जो पार्टिकल का साइज है वो स्मॉलर स्मॉलर देन हो जाता है लैम्डा से, इसका मतलब रेले स्कैटरिंग फॉलो होगा, रेले स्कैटरिंग फॉलो होगा। तो रेले ने हमें यह भी बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 4। तो जैसे ही सन से व्हाइट कलर की लाइट, जैसे ही सन से व्हाइट कलर की लाइट इस पार्टिकल पर पड़ती है, ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा। तो विबग्योर में सबसे वेवलेंथ कम किसकी है? वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, इनकी वेवलेंथ कम है। नीचे बढ़ते हैं तो वेवलेंथ हमारी बढ़ती चली जाती है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू लगभग ब्लू साइड मिलकर कलर बनाते हैं। तो मोर स्कैटर्ड है, जैसे ही यहां पर इस पार्टिकल पर ये पड़ते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी लाइट हमारे इन पार्टिकल्स पर पड़ती है, तो रेले स्कैटरिंग फॉलो होता है, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ होती है या पार्टिकल का साइज होता है उनकी वेवलेंथ से काफी स्मॉल हो जाता है। और स्मॉल होते ही क्या होता है, जो सबसे लीस स्कैटर्ड होगी, जो सबसे लीस स्कैटर्ड होगी वो तो इसको क्रॉस करके चली जाएगी। सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन सी होती है? इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तीनों ज्यादा स्कैटर्ड होती हैं और ऐसे करके ये हमारी स्काई में फैल जाती है बच्चों। ठीक है, इस टाइप से स्काई में फैल जाती है। जब फैलेंगी तो हमें पूरा का पूरा जो स्काई है वो कैसा दिखाई देगा बच्चों? ब्लू कलर का दिखाई देगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर वॉयलेट इंडिगो भी तो है। एक्चुअल में हमारी जो आईज है वो ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। बहुत ज्यादा ब्लू नहीं है लेकिन ब्लू सा लगता है, मतलब हम ज्यादातर ब्लू से लगने वाले कलर्स को भी ब्लू नेम ही देते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो जो आई है वो ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव, इसलिए हमें ब्लू ज्यादा अपीयर होता है। ओके, तो इस टाइप से ये हमारा था व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, तो इसकी वजह से स्काई हमारा ब्लू अपीयर होता है कि एटमोस्फेयर में, जैसे ही हमारे अपर की बात करते हैं कि ऊपर एटमोस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं कम, पार्टिकल्स कम होने की वजह से रेले स्कैटरिंग फॉलो हो जाता है और जो लो वेवलेंथ की लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है, जिससे हमें वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन, उसको भी मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखूंगा, नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी, व्हाई क्लाउड जनरली अपीयर्स व्हाइट, जनरली अपीयर्स व्हाइट। जो क्लाउड्स होते हैं वो जनरली व्हाइट कलर के क्यों दिखाई देते हैं? तो इस क्वेश्चन को देखो,
ये हमारा अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है बच्चों, इसको बने रहने देंगे आगे हम, और जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया। अब देखो जो क्लाउड होते हैं, वो जो पार्टिकल्स होते हैं, स्काई जो मैंने बनाया था अभी, वो सन के काफी नियर कह सकते हैं। अब यहां पर जो क्लाउड होते हैं वो अर्थ के ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, अर्थ के क्लोज होते हैं क्लाउड जो होते हैं। अब जैसे ही सन से लाइट हमारी यहां पर पड़ती है, तो पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स साथ साथ होकर बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, यानी यहां पे जो कंडीशंस होती है वो एक्स ग्रेटर देन लैम्डा हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि अगर हमारा जो एक्स है वो ग्रेटर देन, पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन लैम्डा हो जाता है, तो सारे के सारे इक्वली स्कैटर्ड होंगी। तो व्हाइट लाइट हमारी यहां से टकराकर इस क्लाउड पर पड़ती है, और क्लाउड पर जो व्हाइट लाइट पड़ेगी तो व्हाइट दिखाई देगा, येलो लाइट पड़ेगी तो येलो दिखाई देगा, ठीक है। तो व्हाइट लाइट, पूरी की पूरी व्हाइट लाइट यहां से हमारी आती है, और ये पूरी की पूरी व्हाइट लाइट हमारी क्लाउड पर पड़ती है, और क्लाउड हमें बच्चों कैसा दिखाई देता है, व्हाइट कलर का दिखाई देता है, ठीक है। क्लियरली बात समझ में आ गई है, कि हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 2 कह सकते हैं इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा कहता है, जब सन हमारा डूबने वाला होता है और निकलने वाला होता है तो वो रेडिश दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाई सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सनराइज एंड सनसेट। जो सन है हमारा जब निकलता है तो भी रेडिश कलर का दिखाई देता है, और जो शाम को डूबने वाला होता है तब भी रेडिश कलर का दिखाई देता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो ये हम यहां पर पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ की एक हॉरिजन लाइन होती है, जब इससे नीचे हमारा सन जाने लगता है तो हमें धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, जो हमारी अर्थ के सरफेस को टच करके जा रही है यहां से, इसको बोलते हैं बच्चों हॉरिजन। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजन लाइन है। तो जब अर्थ हमारा बच्चों यहां पर, सन हमारा यहां पर होता है, यहां लिख देता हूं मैं हॉरिजन, जब सन हमारा यहां पर होता है तो डूबने वाला होगा या निकलेगा। सन हमारा यहां पर होगा तो या तो डूबने वाला होगा या निकलेगा, ठीक है। निकलेगा तब भी हॉरिजन से बाहर जाएगा, और आएगा तब भी हॉरिजन से ऊपर की तरफ आएगा धीरे धीरे। अब होता क्या है, देखो जब सन हमारा ये कह सकते हैं कि हमारा जो आफ्टरनून का टाइम होता है, अगर मान लेते हैं कि आप यहां पर खड़े हुए हो, ठीक है, अर्थ के सरफेस पर यहां पर खड़े हुए हो, तो सन की लाइट सीधी सीधी पड़ती है, यानी उसको एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। लेकिन जब सन डूबने वाला होता है तो उसको एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस, यानी लाइट को हम तक पहुंचने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। और अकॉर्डिंग टू विबग्योर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है बच्चों? रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है वेवलेंथ ऐसे। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है बच्चों? रेड कलर की होती है, और सबसे कम किसकी होती है? वायलेट कलर की होती है। अब जब यहां से पार्टिकल से स्कैटर्ड होगा धीरे धीरे, स्कैटर्ड सारे कलर्स, लगभग सारे कलर्स हमारे यहीं पर स्कैटर्ड हो जाते हैं, और हमारी आईज तक जो कलर पहुंचता है वो रेड कलर का पहुंच पाता है, क्योंकि रेड कलर हमारा लीस्ट स्कैटर्ड होता है, कम फैलता है, और बाकी के कलर्स हमारे ज्यादा फैलते हैं। तो लगभग रेड कलर हमारी आंखों तक, जब होरिजन पर हमारा सन होता है तब हमारी आंखों तक रेड कलर पहुंच पाता है। रेड कलर क्या होता है? लीस स्कैटर्ड होता है, वो स्कैटर्ड ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा स्कैटर्ड हो रहे सारे यहां तक स्कैटर्ड हो लेते हैं, हमारी आंखों तक रेड कलर पहुंच पाता है। तो दैट्स व्हाई सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन थी। अब हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, तो देखो बच्चों, आपने जनरली देखा होगा जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं, आप सिग्नल पढ़ते हैं रास्ते में, जब किसी कार से, बस से, बाइक से आप जाते हैं
तो उसमें डेंजर सिग्नल रेड होता है, येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, लेकिन डेंजर सिग्नल को रेड से शो करते हैं। आप रेलवे लाइन पर गए हो कभी तो वहां पर भी जो डेंजर सिग्नल होते हैं रेड बत्ती है तो वो नहीं चलेगा आगे। तो डेंजर सिग्नल्स रेड के क्यों होते हैं? व्हाई? फोर्थ एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, व्हाई डेंजर्स सिग्नल्स आर रेड। जो हमारे डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं? तो ये हम यहां पर टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सबसे जो मोर वेवलेंथ की होती है, मोर वेवलेंथ किसकी होती है बच्चों? रेड कलर की होती है। और अकॉर्डिंग टू रेले जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो लीस्ट स्कैटर्ड होगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो क्या होगा? लीस्ट स्कैटर्ड होगा। तो जो रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर वो क्या होता है बच्चों? लीस्ट स्कैटर्ड होता है। लीस्ट स्कैटर्ड होगा तो ज्यादा डिस्टेंस से भी हमें ये दिखाई दे जाता है, ज्यादा डिस्टेंस तक ये ट्रेवल करता है, कह सकते हैं हमारी आंखों पर ज्यादा डिस्टेंस से ये आ जाता है। तो डेंजर सिग्नल है, कहीं दुर्घटना नहीं हो जाए, कहीं कुछ हो नहीं जाए, इसलिए उसको रेड रखते हैं। रेड कलर हमारा दूर से भी दिखाई दे जाता है, रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड कलर होता है, दूर से भी दिखाई दे जाता है, इसीलिए डेंजर सिग्नल हम कैसे रखते हैं बच्चों? रेड कलर का रखते हैं। क्लियर? रेड कलर का डेंजर सिग्नल रखा जाता है। ओके ओके बच्चों, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, एक एप्लीकेशन और देख लेते हैं इसकी, ठीक है। जो फॉग लाइट होती है, वह फॉग लाइट आर येलो कलर आर ऑफ येलो कलर्स। जो फॉग लाइट होती है वो येलो कलर की क्यों होती है? आपने देखा होगा कि जब फॉग पड़ता है तो बहुत लोग होते हैं अपनी जो लाइट है, हेडलाइट होती है, एक पॉलोथीन लगा लेते हैं येलो कलर की। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि येलो कलर की पॉलोथीन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? देखो बच्चों, अगर मैं अपने विबग्योर की बात करता हूं, सर बार बार विबग्योर की ही बात कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मैं विबग्योर की बात करता हूं तो देखो येलो कलर हमारा लगभग लगभग बीच वाला कलर है, मीन कलर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, मीन कलर हम इसको कह सकते हैं येलो कलर। अब फॉग ड्यूरेशन, फॉग अगर बच्चों मैं रेड कलर की रखता हूं तो ठीक है, रेड कलर हमें दूर से भी दिखाई दे जाता है, रेड कलर हम मान रहे हैं कि हमें दूर से भी दिखाई दे जाता है, दुर्घटना की चांसेस कम होंगे, लेकिन फॉग में जो चल रहा है उसको देखने के भी तो जगह चाहिए। अगर रेड कलर दूर तक जा रहा है तो सामने वाले को रेड कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन रेड कलर फैल नहीं रहा जिससे हमें आसपास का एरिया दिखाई दे जाए। अगर मैं वॉयलेट लेता हूं तो फैलेगा ही फैलेगा, दूर तक नहीं जाएगा, आने जो दूर है उसको दिखाई नहीं देगा, आके आपको टक्कर मार देगा, तब पता चलेगा भाई टक्कर लग गई। येलो कलर दोनों काम करता है, ठीक है, मिड में है तो कुछ दूर तक भी जाएगा और ज्यादा फैलेगा भी। जब ये दूर तक जाएगा ज्यादा फैलेगा, फॉग में हमें तो चाहिए कि ये फैले भी ताकि हमें वहां पर भी दिखाई दे और थोड़ा दूर तक भी जो दूर है उसको भी दिखाई दे जाए। तो इसलिए जो येलो कलर है वो फॉग में यूज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फॉग कलर, येलो कलर इज द मीन कलर, ठीक है, इट इज स्कैटर्ड एंड ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम सम डिस्टेंसेस, ठीक है। तो ये इस दैट्स व्हाई येलो कलर इज यूज एज ए फॉग लाइट। तो फॉग लाइट में हम क्या यूज करते हैं? येलो कलर इसी की वजह से यूज करते हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस थी जो हमने यहां पर डिस्कस की स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारा और बचा हुआ है, उसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट में भी करा सकते थे, ठीक है, तो अब करा देते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का रेनबो। रेनबो सबने देखा होगा, जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जैसे ही हमारा सन निकलता है तो जनरली ये हमें दिखाई दे जाता है रेनबो। सेवन कलर्स उसमें होते हैं, जो विबग्योर वाले हमारे सेवन कलर्स हैं वो होते हैं। जब प्रिज्म से डिस्पर्शन हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, तो डिस्पर्शन में एक व्हाइट लाइट हमारी प्रिज्म से पास हुई थी और प्रिज्म से पास होने के बाद वो सेवन कलर्स में डिवाइड हो गई थी। यही होता है हमारे पास रेनबो में भी। रेनबो में क्या होता है,
जब बारिश होती है तो पानी की कुछ ड्रॉप्स हमारी एटमॉस्फेयर में होती हैं, और जैसे ही सनलाइट उन पर पड़ती है, तो सनलाइट पड़ने से वो एक प्रिज्म की तरह काम करते हैं। ठीक है, वो जो ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो किसकी तरह काम करते हैं, प्रिज्म की तरह काम करते हैं और व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देते हैं और वो फैल जाते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है बच्चों, एक रेनबो दिखाई देता है जो सर्कुलर आर्क की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको देखने का सबसे जो बढ़िया तरीका है वो क्या तरीका है कि अगर सन हमारा इधर है तो ये हमेशा सन हम इसको तब देख पाएंगे, जब बच्चों हम जो सन है वो हमारे पीछे हो, जो सन है वो कहां हो बच्चों, हमारे पीछे हो, तभी हम इनको देख पाते हैं। ठीक है, जब सन कहां हमारे पीछे हो। होता क्या है बेसिकली, मैंने आपको बताया कि वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, इस टाइप से वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं। अब यहां से क्या होगा बच्चों, बहुत छोटी होती है, मैंने ज्यादा बड़ी करके दिखाई क्योंकि इनमें जो डिस्पर्शन हो रहा है, रिफ्रेक्शन एंड रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, बहुत छोटी ड्रॉप्स होती हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इनको बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं कि इनमें होता क्या है। देखो, जैसे ही सनलाइट हमारी यहां पर पड़ती है तो सनलाइट यहां पर पड़ेगी, इस पॉइंट का नॉर्मल ये हो जाएगा। अब जो लाइट, ये लाइट हमारे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, तो ये लाइट थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड होकर यहां पड़ती है, यहां से इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, फिर यहां पड़ती है, फिर से इसका रिफ्रेक्शन हो जाता है, और ऐसे करके हमारी आंखों में आ जाता है। ऐसे जो लाइट इस वाली ड्रॉप के अक्रॉस आती है तो वहां से लाइट ऐसे पड़ेगी। ठीक है, इस पॉइंट का नॉर्मल ये हो जाएगा, लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे पड़ेगी और इससे हमारी आंखों में आ जाएगी। तो यहां पर पहले क्या हुआ, रिफ्रेक्शन हुआ, फिर से रिफ्रेक्शन हुआ और फाइनली लाइट हमारी आंखों में आ जाती है और ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास वॉयलेट कलर है तो ये मेरे पास बच्चों क्या, कौन सा कलर है, रेड कलर का है। अगर ये मेरे पास वॉयलेट कलर है तो ये बच्चों कैसा हो जाएगा, हमारा रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली वॉयलेट कलर नीचे होता है और रेड कलर हमारा ऊपर होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला रेड कलर, नीचे वाला मैंने वॉयलेट कलर मान लिया। ये जो हमारा बनता है इसको बोलते हैं बच्चों हम प्राइमरी रेनबो, जनरली थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कई बार दो रेनबो बनते हैं, एक नीचे होता है जो हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा होता है, एक उसके ऊपर बनता है जो हमें थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा होता है। तो जो हमें क्लियर दिखाई देता उसको हम कहते हैं प्राइमरी रेनबो, और जो हमें क्लियर नहीं दिखाई देता उसको हम कहते हैं, थोड़ा हल्का दिखाई देता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। और सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, ऐसे ही जैसे दो ड्रॉप मैंने बनाई एक्सट्रीम कलर के लिए, दो ड्रॉप मैंने रेड कलर ये, वॉयलेट कलर ये, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसे लाइट आती है सन से, यहां से इसका इस टाइप से रिफ्लेक्शन होता है और फिर ये हमारी आंखों में आती है। इसी टाइप से यहां से भी इसका इस टाइप से रिफ्लेक्शन होता है और यहां से हमारी आंखों में ये आती है। ठीक है बच्चों, बेसिकली क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है और उसके अंदर ड्रॉप्स के अंदर रिफ्रेक्शन एंड रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रेनबो बेसिकली बनता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि जो व्हाइट लाइट हमारी सन से आती है वही हमारी 7 कलर्स में डिवाइड होती है और हमें रेनबो दिखाई देता है। तो दो टाइप का रेनबो हुआ, प्राइमरी रेनबो, एंड जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, तो ये हमारा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। थैंक यू सो मच।